हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभास रियल ब्लॉग। तो आज हम जाएंगे श्रीनगर की रेलवे स्टेशन पर। हाँ, ये तो सच है कि श्रीनगर में बस एयरपोर्ट ही है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ये पता है। पर ये तो नहीं पता कि श्रीनगर से थोड़ा दूर में एक बडगम डिस्ट्रिक्ट है, उधर ही एक रेलवे स्टेशन आता है। हम उस रेलवे स्टेशन पर अब जा रहे हैं, तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें श्रीनगर की बडगम डिस्ट्रिक्ट रोड पकड़कर सीधा जाना है। सीधा जाते जाते जो किसी को भी पूछने से वो बता देगा वो रास्ता, उसी रास्ते से पकड़ के हमें सीधा जाना है। और सीधा जाने से वो रेलवे स्टेशन आ जाएगा। फिर आ जाएगा एक ऐसा पोस्टर जिसमें लिखा है रेलवे स्टेशन बडगम, इधर से 1.5 किलोमीटर आगे दिखता है। जो लोग श्रीनगर आना चाहते हैं वो सबसे पहले जम्मू में उतरते हैं, फिर उधर से गाड़ी या बस से श्रीनगर तक आते हैं। पर इधर ट्रेन का रास्ता नहीं है, मतलब जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन का रास्ता कुछ नहीं है, इसलिए हमें गाड़ी में आना पड़ता है। अगर जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे का माध्यम होता है तो हमारा जर्नी और भी बेहतरीन हो सकते हैं। ये काम एक साल के बाद लगता है हो जाएगा। उसके बाद श्रीनगर से जम्मू हम ट्रेन से जा सकते हैं और किसी भी जगह में हम पूरा श्रीनगर से सीधा जा सकते हैं। बहुत लोग हैं बस का जर्नी या गाड़ी का, जो चार चक्का है या फोर व्हीलर, उसकी जर्नी अच्छा नहीं लगता, वो ये ट्रेन के माध्यम से आराम से एकदम अच्छे से मज़े से जा सकते पूरा जर्नी। तो चलो, ये हम स्टेशन तो आ गए, चलो देख लेते स्टेशन में अंदर में क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या है, कहाँ कहाँ ट्रेन रुकता है और इसका प्राइस कितना है, टिकट का प्राइस कितना है और कितना टाइम लगता है, ट्रेन का टाइम टेबल भी हम जान सकते। तो हम इधर आ गए, तो इधर हम गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं। ये है पार्किंग जोन, ये बहुत ही अच्छा सा एक माहौल बना के रखा है। गाड़ी का जो पार्किंग एरिया है वो अलग करके रखा है। तो चलो देख लेते हैं। तो ये है श्रीनगर की बडगम डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा दिखता है। तो हम अभी जाएंगे टिकट काउंटर की उस साइड पे, उधर जाके हम जान सकते हैं कैसे रेट टिकट का है, कहाँ कहाँ जाते हैं और उसका टाइम टेबल, कब कब कितने टाइम पर ट्रेन छूटता है और वापस रिटर्न होता है। तो इधर देख सकते हो बहुत सारे स्टेशन इधर है। हम इधर से, ये है बडगम, तो इधर बडगम श्रीनगर लिखा है, वही बडगम है। बानीहाल है इसका लास्ट स्टॉपेज, मतलब बानीहाल तक ट्रेन रुकेगा। फिर उधर से आप अगर जम्मू जाना चाहते हो तो जम्मू जा सकते हो, बानीहाल से गाड़ी लेकर जम्मू जा सकते हो। तो श्रीनगर से बानीहाल तक ट्रेन में चलो, फिर बानीहाल से जम्मू तक जा सकते हो गाड़ी से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 घंटे में लग जाएगा। जिधर जम्मू से श्रीनगर आने में टाइम लगता है, 8 घंटे लग जाता है, तो कुछ लग ही जाता है, कहीं रुकना होता है, कोई खाना खाना होता है, 8 लग ही जाता है। तो हम ट्रेन में आराम से एकदम शांति से, और कोई रिक्स तो नहीं है, तो हम ट्रेन से पूरा जम्मू ऐसे जा सकते हैं। तो आपको बता दिया हम कैसे जा सकते, तो फिर भी बता देती हूँ। ये ट्रेन का टाइम टेबल है
जो दिख रहा है ये ट्रेन का टाइम टेबल है और ये अक्टूबर तक रहेगा, ऐसा रहेगा, फिर जाके चेंज हो जाएगा। तो आप जिसको जिसको जिस जिसको देखना है और जानना है टाइम टेबल, आप इधर से देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बताए थे, जम्मू से हम जम्मू में हम जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, इधर से इस ट्रेन पकड़ के ये बानीहल तक हम जाएंगे, फिर जाएंगे कोई कार्स लेके, ठीक है। तो इसमें हमारा जर्नी बहुत ही आसान और सुंदर हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हम जम्मू पहुंच जाएंगे। जो लोग जम्मू से श्रीनगर तक आए हैं और आना चाहते हैं उसको मैं बता देती हूँ, उधर का रास्ता बहुत ही ऊंचा है और भी बहुत ही ख़राब है, एकदम इवन रोड नहीं है, बहुत ही उथल पथल और ऐसा है। तो इसलिए अगर आप सेफली जाना चाहते हैं तो ट्रेन का जर्नी सबसे बेस्ट जर्नी है, ये मुझे लगता है। और इधर बहुत अच्छे से चेकिंग होता है, बैगेज और लगेज का चेकिंग होता है और मतलब खुद का भी चेकिंग एक बार हो जाता है। हम थोड़ा अंदर आ गए, मतलब जिधर ट्रेन चलता है प्लेटफॉर्म के उधर हम आ गए। तो आप देख ही सकते हो इधर बहुत ही शांत माहौल है और बहुत ही साफ सफाई रखते हैं, बहुत ही कम लोग इधर आते हैं जाते हैं, ज़्यादा लोगों का पता नहीं है, वो लोग ज़्यादा नहीं आता है इसलिए इधर लोग थोड़ा कम है। जो लोकल लोग है वही लोग जाते हैं आते हैं, और हम तो जब जाएंगे घर तो ट्रेन में ही जर्नी करके जाएंगे, कार में नहीं जाएंगे, कार में जानी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ है और बहुत ही पेनफुल है। तो अभी तो 10 मिनट बाकी रह गए, अभी एक ट्रेन आएगा, तो चलो हम थोड़ा ऊपर ओवर ब्रिज में चलते हैं। नहीं तो मेरा मुंह पूरा लाल लाल हो गए, बहुत ही जलन फील हो रहा है। अभी जिसको आना है वो छतरी लेके आना है अगर पैदल आना है, या कोई स्कार्फ को रैप करके ही आना होता है। धूप आता है, बहुत धूप। इधर देखो ट्रेन आने वाले, ट्रेन आ गए, आपको दिखा ट्रेन भी दिखा दूंगी कैसा आते है और कितना टाइम रुकता है। आप देख ही सकते हो एकदम लोग बहुत ही कम आता है, एकदम भीड़ भाटा कुछ नहीं है, एकदम पूरा खाली खाली रहता है प्लेटफॉर्म। और ट्रेन से जाना एकदम रिस्क कम होता है, कम रिस्क होता है ट्रेन जर्नी में, बहुत ही सेफ भी होता है। और इधर आपने देख लिया टिकट का रेट बहुत ही कम है, 30 रुपये करके लेता है। तो चलो ट्रेन आ गए, हम देख सकेंगे पैसेंजर्स और इसका मतलब पैसेंजर्स का क्वांटिटी कितना है। श्रीनगर में रेलवे का काम हो रहा है, अभी तक चल रहा है, आशा करते हैं एक साल के बाद पूरा रेलवे का रास्ता मतलब रेलवे हो जाएगा श्रीनगर से जम्मू तक। तो देखो आप देख ही सकते हो पैसेंजर्स कितना है, एकदम हाथ में गोना गुंती पैसेंजर्स आना जाना करता है, ज़्यादा भीड़ भाटा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को दिखा दिया हमने बडगाम का रेलवे स्टेशन, ये लोग जा रहे हैं, तो हम अभी जा रहे हैं घर। तो आप लोगों को दिखा दिया, आशा करते हैं
आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।